हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे और मोस्ट वेलकम गाइस। तो ये अष्टमी वाले दिन से मैं ब्लॉग शूट की थी अष्टमी का, और ये मॉर्निंग का समय था लगभग 5 बजे का। पूजा करते समय उठी तो मैं 4 बजे थी, तो बस उसके बाद में बच्चों ने मतलब नहाना धोना करा और हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी। इस समय तक मेरा खाना रेडी हो गया था जो भी मैंने बनाया था, और बस हलवा बनाना बाकी था। तो हलवा मैंने थोड़ा लेट इसलिए बनाया कि ठंडा हो जाता है, बाकी पूरा खाना मेरा रेडी है। आटा वाटा लगा के सब कंप्लीट करके मैं रखी हूँ। तो ये सूजी है और ये सब्जी वगैरह है जो मैंने बनाई है सब। छोले बनाए थे, काले चने, गोभी आलू और पूड़ी, हलवा बस यही बनाया था। तो मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में। घी डालने के बाद मैं सूजी डाल दूंगी, और हलवा मैं सबसे लास्ट में इसीलिए बनाती हूँ कि थोड़ा गर्म रहे बच्चे आने तक, और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और आज थोड़ा जल्दी रहता है तो हलवा बस इस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही बनाऊँगी, ज़्यादा मतलब अच्छे से वो नहीं करूँगी। सूजी मेरी भून गई है, फिर मैंने इसमें गर्म पानी ऐड करा, और गर्म पानी डालने से हलवा बहुत खिला खिला और अच्छा बनता है। तो थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी मैं ऐड करती जाऊंगी इसमें, और मैं हलवा के अंदर और ना ही काजू बादाम ये मतलब जो ड्राई फ्रूट रहते हैं वो कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैं सिंपल हलवा बनाती हूँ। तो मेरा हलवा बनके लगभग रेडी है, तो बस मैं इसमें चीनी डाल दूंगी जितना मुझे मीठा चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा घी डाल के इसको भून दूंगी और हलवा हो जाएगा रेडी। और बहुत ज़रूरी होता है कन्या जीवानी में हलवा बनाना, तो सभी लोग बनाते हैं और सभी के घर जरूरी से ज़रूर बनता है। जैसे ही मैंने चीनी डाली ये थोड़ा और लिक्विड सा हो गया, तो बस 5 मिनट को मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद गैस को कर दूंगी ऑफ, और मैं फिर बनाऊंगी पूड़ियाँ जो कि मुझे पूजा करने में चाहिएंगी। तो पहले मैं 9 पूड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए अलग से बनाऊंगी। तो गर्मा गर्म एकदम फूली फूली पूड़ी निकल रही है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे पूड़ी सेकने में। तो मैं बस पूड़ी निकाल दूंगी। और पूड़ी जब बेल के रख लेते हैं ना, तो सेकने में बहुत ही कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा सी पूड़ी आप बना सकते हो, और रोटी से भी ज़्यादा जल्दी पूड़ी बन जाती है। उसके बाद मैं लगा लूँगी थाली। तो मैंने हलवा और चने को एक ही जगह ले लिया है, जो काले चने रहते हैं, पूड़ी रख लूँगी थाली के अंदर। और सभी पूड़ी रखने के बाद जो मैंने सब्जी बनाई है वो भी रख लूँगी, और पूरी थाली को मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मैं इसमें छोले डालूँगी, और आज का खाना शुद्ध एकदम सात्विक खाना होता है। कोई इसमें लहसुन, कोई प्याज, कोई अदरक कुछ नहीं डालती हूँ मैं, एकदम सिंपल बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि माँ का प्रसाद होता है। तो आलू गोभी की सब्जी, और मैंने बच्चों को चॉकलेट दी तो मैंने चॉकलेट भी रख ली, एक सेब रख लिया। तो ये माता रानी की पूजा की थाली है जो कि मेरी लग के और एकदम रेडी है। तो बस मैं चढ़ाने जा रही हूँ अंदर। और ये जो आम की लकड़ी थी गीली थी तो बहुत परेशान करा, लेकिन जब एक बार मतलब हवन प्रज्वलित हो गया था तो बहुत अच्छा जला था, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत तंग कर रही थी। तो मैंने कपूर डाल के ये कर दिया था, लेकिन हो गया था बाद में। और हम लोग ने पूजा करी सबने, सब लोग नहा चुके थे 5 बजे ही। मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं काम में लगी थी, और ये लोग सब फटाफट उठ कर नहा लिए थे, तो सब लोग बैठे थे पूजा में। और मेरी पूजा हो गई, उसके बाद मैंने बुलाई थी कन्या। तो मैं सबसे पहले पैर धो रही थी कन्या के, और मैं धोती जा रही और ये पोंछते जा रहे थे। फिर एक एक करके सभी कन्याओं के पैर को पोंछ दिया था और बिठा दिया था खाने के लिए। तो बच्चे खाते तो बहुत कम है, लेकिन हमारा काम रहता है कि बच्चों को भोग लगवाना ही है।
उसके बाद सब कुछ परोस दिया था जितना भी मैंने बनाया था, लेकिन बच्चों ने बस एक एक दो दो टुकड़ा ही खाए, ज़्यादा नहीं खाए। और जब तक बच्चे मेरे यहाँ आए थे, दो तीन जगह बच्चे कन्या जन्म के आए थे, तो बस खा नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा खिलाया इन लोगों को। और जब खा पी के फिर मनी ने इनको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद बस जो इनकी दक्षिणा थी पैर छूने वगैरह वो सब करे, और उसके बाद मुझे जाना था ओपनिंग में एक जगह, मतलब मुहूर्त था किसी दुकान का, तो मैं और मनी दोनों गए थे मुहूर्त में। तो बस कुछ दूर तक हम मैं और मनी पैदल गए, उसके बाद हमने रिक्शा ले ली थी क्योंकि गाड़ी तो वो लेके गए थे, तो मैं और मनी दोनों गए थे। तो हम पहुंच चुके थे यहाँ पे, और आज इस शोरूम का उद्घाटन था, तो बस बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, सभी लोगों ने फोटो खिंचाए और वीडियो बनाए, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रखी थी, सबको चाय कॉफ़ी मिठाई सब पूरा व्यवस्था था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। तो यहाँ लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, जिसको जो खरीदना था छोटा बड़ा गोल्ड या फिर सिल्वर जो भी लेना था ले रहे थे। और ये सबसे ऊपर के पोर्शन है, तो एक ही शोरूम में कई अलग अलग मतलब है, इसमें नीचे गोल्ड का शोरूम है और ऊपर अलग अलग ब्रांच खोल रखी हैं, जैसे बच्चों को बाहर जाना हो, करेंसी एक्सचेंज करना हो, तो अगर किसी को ज़रूरत लगे तो ज़रूर जाना। तो ये ऊपर का था, और मैंने पूरा शूट करा था, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, कुछ आने वाले गेस्ट थे, कुछ लोग शूट कर रहे थे, ये लोग फोटो खिंचा रहे थे, हम लोग बैठे थे, मतलब अलग अलग सब अपने अपने काम में लगे थे। ये मनी मनी के पापा बैठे हैं, वो भैया और भाभी बैठे हैं दोनों। कॉफी वाला जो भैया थे वो भी सबको कॉफी पिला रहे, ठंडा ठंडा थोड़ा हो गया है मौसम, तो लोग कॉफी खूब इंजॉय कर रहे थे। और अगर किसी को मतलब कुछ भी खरीदना हो या कहीं बाहर का कोई काम लगे तो ज़रूर बताना, मैं बताऊंगी एड्रेस और मुझे क्या मैंने क्या ख़रीदा वो भी ज़रूर कमेंट करके, मतलब मैंने क्या लिया अगर आपको जानना है तो कमेंट करना वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई थी खरीद के। तो अगर आप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।